आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या फिर वो रेलवे हो, बैंक हो, या फिर एसएससी हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, निष्कर्ष निकालना वीडियो देखने के बाद, और गलती को खोजिएगा मेरे अंदर गलती क्या है, क्योंकि आज के डेट में ना इंसान को अपने अंदर गलती दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। और जब तक गलती नहीं दिखाई देगा आप काम करेंगे कैसे उसके ऊपर। अपने हर इंसान के अंदर गलती है, कुछ ना कुछ कमी है, तभी एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो वो कमी है क्या, वो आपको खुद खोजना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझा रहे, समझिएगा ध्यान से। पहला बात तो ये है, आप सभी का, बहुत जन बोलते हैं भैया मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, बहुत जन बोलते हैं लाखों में। अच्छा, ये बात बोलते क्यों है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, क्यों बोलते हैं, समझिएगा। पहले बात आप ये सुन लो, 1 मई से ना शाम को 6 बजे से लाइव क्लास चलेगा, पूरा मैथ का बेसिक। यानी मान लो अगर एक चैप्टर आपको पढ़ना है ए से जेड तक, उस चैप्टर में ए से जेड तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको उसका ए भी नहीं आता है ना, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। अगर मान लो आपको 5+5 भी नहीं आता है तो वो भी पढ़ाऊंगा। बहुत सारे चैप्टर मैंने, मैथ का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर अपने चैनल पर मिला है, आप जाकर देख लेना। आप बोलेंगे भैया हर एक चीज समझ में आ रहा है, और जब क्लास कराऊंगा ना तो आप बोलेंगे भैया मुझे समझ में तो एक एक चीज आ रहा है। और कब आप उस चैप्टर पे ए से जेड तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपको समझ में तो आ रहा है मैथ, प्रॉब्लम क्या है, आप टाइम देना नहीं चाहते, आप मेहनत करना नहीं चाहते। इसीलिए जो मेहनत करना नहीं चाहते और टाइम देना नहीं चाहते उस चीज को क्या कर रहे हैं, उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ दे रहे हैं कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। कब तक ये बहाना कब तक चलेगा, ज्यादा ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल, और उसके बाद जिंदगी जैसे घुमाएगी वैसे आपको घूमना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो कुछ ऑप्शन रह नहीं जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी मम्मी पापा कमा रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है टाइम का, पैसा का। एक बात समझो, बहुत जन तो ये बोलते हैं, कितने जन बोलते हैं भैया मैथ समझ में आता है, बोरिंग लगता है भैया, मैथ पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। एक बात समझो, मान लो घर के हेड कौन है, पापा है जो घर चला रहे हैं। अगर वो घर में एक बार बोल देना मुझे पैसा कमाने में बहुत बोर लग रहा है, मुझे मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, बाहर जाकर बहुत बोरिंग फील हो रहा है, तो क्या होगा, कंडीशन सोच कर देखो। अगर पापा काम करना छोड़ दे तो क्या होगा, घर में पैसा नहीं आएगा, सभी भूखे मरेंगे, यही होगा ना। लेकिन फिर भी पापा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अपने बाल बच्चे इन सब के लिए। तो एक समय आपके लाइफ में भी एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं रह जाएगा, और उस समय ना आज का बहाना बहुत भारी पड़ने वाला है। तो वो दिन आपको देखना ना पड़े, इसीलिए आज आपको करना है, मेहनत करना है, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलेगा यार। चीज को समझना, आप एक जगह ना बहुत बुरी तरह अटक चुके हैं, वो चीज क्या समझाते हैं देखो। एक बार आई होप आपको इस ग्राफ के माध्यम से बहुत बारीकी से आपको एक चीज समझ में आएगा, उसके बाद मैं और समझाऊंगा। पहले मान लो ना इस ग्राफ को देखिए, आप मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक है ना, आपको ये सक्सेस है, आपको यहां पर पहुंचना है, यहां पर आप तैयारी स्टार्ट करना किए हैं, आपको वहां पर पहुंचना है। एक एग्जांपल लेते हैं, रीजनिंग, बहुत दिन बोल है 2-3 दिन से भैया रीजनिंग स्टार्ट करो फिर से, रीजनिंग का ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहेगा है ना जो मैंने नहीं पढ़ाया है रेलवे एसएससी के लिए। बैंक तो छोड़ दो, बैंक का तो टॉप क्लास पजल मतलब टॉप क्लास पजल चैनल पर पढ़ा हुआ है, जाकर देखना, जग जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा हर एक कंसेप्ट के साथ। अगर मैं एग्जांपल समझाऊं मैथ को लेकर, एक एग्जांपल मान लो आप यहां पर हैं, आप तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, मान लो आपको मैथ पढ़ना है और मैथ में आपको सब पढ़ना है। पहला बात तो ये, हर एग्जाम के लिए मैथ अलग अलग नहीं रहता है, रेलवे में वही प्रतिशत, वही टाइम एंड वर्क, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही रेशियो प्रोपोर्शन, वही पार्टनरशिप, या फिर एसएससी के एग्जाम में वही पढ़ना है, एएलपी में, आरपीएफ में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी, मैथ वही पढ़ना है, बस माइंड में डर बहुत ज्यादा है। तो पहले एक बात समझो, मैथ में हर एक चैप्टर वही पढ़ना है। और एक बात, आप मैथ पढ़ना स्टार्ट किए, मैथ पूरा पढ़ने के बाद एक बार आप 1-2 साल एग्जाम में टाइम निकाल देते हैं, अगर एक बार आप सभी दिल लगाकर 2-3 महीना ये मैथ पूरे अच्छे से पढ़ लिया जाए, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसके बाद यहां पर आता है प्रैक्टिस पेपर,
ठीक है, प्रैक्टिस पेपर। अब आपको क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। अब आपने मैथ सीख लिया है, अब दोबारा नहीं सीखना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है डेली। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मान लो ना, यहां पर आप मैथ सीखना स्टार्ट किए और आपका एग्जाम आया आरपीएफ का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप मैथ सीख रहे हैं, वही प्रतिशत, वही टाइम एंड वर्क, वही रेशियो प्रोपोर्शन, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही एससीएफ एलसीएम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकला। एग्जाम मान लो नहीं निकला, कोई बात नहीं, आरपीएफ मिट गया, अगला एग्जाम सामने खड़ा है, कौन सा भैया, एएलपी का। अब आप कहां क्या करेंगे, दोबारा से स्टार्ट किए, वही प्रतिशत, वही रेशियो प्रोपोर्शन, वही पार्टनरशिप, वही लाभ हानि, वही, चलो ये एग्जाम निकल गया। फिर एग्जाम आया आपका आरआरबी ग्रुप बी का, फिर आप यहीं पर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एग्जाम चला गया, फिर एनटीपीसी आया, फिर आप दोबारा पढ़ रहे हैं, यानी आप यहीं पर अटके हुए हैं, आप अटके यहीं पर हुए हैं, और करते 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 7 से 8 महीना 1 साल निकल गया, और आप अटके कहां पर है, यहीं पर अटके हैं। चीज समझिएगा, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, अच्छे से मैथ को पढ़ लिया जाए, तो अब तो मैथ दोबारा पढ़ेंगे नहीं, अब बस प्रैक्टिस करेंगे डेली, सेट लगाएंगे पर डे, प्रैक्टिस सेट करेंगे कि कितने क्वेश्चन एग्जाम के बन रहे, जो एग्जाम में आजकल डेली क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब कितने क्वेश्चन बन रहे, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, मैथ मेरा खत्म हो गया 2-3 महीने में। अब आप बस ये सेट लगा रहे हो, अब आप इससे आगे बढ़कर यहां पर अटके हो, और जो यहां पर अटक गया, जो यहां पर अटक गया वही एग्जाम निकालेगा। अब उस वो तो खेल रहा है मैथ से, अब वो मैथ से खेल रहा है, अब ये मैथ से खेलने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो आप कर नहीं रहे, ये आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आता है, कितने लोगों के पास मैथ का नोट्स है, हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हाल फिलहाल में जो एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं उसे कम से कम 30-40 क्वेश्चन भी उस चैप्टर का प्रैक्टिस किए हैं, कितने लोग हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत कम लोग होंगे जो बोलते हैं कि मैथ से मुझे डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आता है, उनके पास नोट्स होगा, एक्चुअल में वो एक स्टेप आगे बढ़े ही नहीं करने के लिए, बस सपना देख रहे, करना है, करना है, समय चल जाएगा, टाइम चल जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सच्चाई है, जो चीज खत्म हो रहा है, जो चीज खत्म हो रहा है वो क्या है, शरीर, बॉडी। ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, रिलेटिव है, वो यहीं पर आ जाए, मैं चला जाऊं, पॉसिबल है, ये बहुत कड़वा सच्चाई है। तो जो चीज मिट रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो शरीर है, और इस शरीर, जब तक ये शरीर है तब तक आपको क्या क्या करना है हर एक फेस में, ये नहीं कि आप 10-12 साल से यही लगड़ रहे हैं, ये भी एक फेस है, ये भी 1-2-3 साल के बाद चला जाएगा, उसके बाद आप कहां एंटर करेंगे, नई लाइफ में, शादी होगा वहां पर, बच्चा होगा वहां पर, वहां पर तो जिंदगी जैसे नचाएगी वैसे नाचेंगे आप, वैसे आपको करना है। अगर आपको बोला जाए ना डेली 50-50 किलो का बोझा उठाकर आपको ये करना है, तो वो भी आप करेंगे, वो भी करेंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन आज के डेट में आप समझ नहीं रहे हैं, जो आप ये काम कर रहे हैं ना वो परिवार के लिए ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी भी बहुत टाइम है, देखो लॉकडाउन में ज्यादा टाइम, अभी देखो अभी भी एग्जाम होने में 3-4 महीने का टाइम है, ये आप सभी को पता है। तो 3-4 महीना में भैया मैथ को हम स्ट्रांग क्यों ना कर ले, अगर एक बार मेरा मैथ स्ट्रांग हो गया तो ये करेंगे। यार रीजनिंग की बात कर रहे हैं आप, रीजनिंग की बात कर रहे हैं भाई, ये जो रीजनिंग है ना, बहुत जन अभी कमेंट्स करते हैं कि भैया रीजनिंग मुझे डर लगता है, यार इतना मेरे से बहुत काबिल टीचर है, बहुत ज्यादा, लेकिन ना इतना बोल सकते हैं, एक दिन में 24 घंटा यानी 24 घंटा मतलब 24 घंटा 24 घंटा में आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं, ये भी कोर्ट के पेपर्स पर साइन मारकर कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। चैनल पर ना आपको वीडियो मिल जाएगा रीजनिंग का, एक एक कंसेप्ट, एक एक ट्रिक, हर एक चैप्टर का मैंने करवाया है, और अभी एग्जाम हुआ सीजीएल का, सीएचएसएल का, क्वेश्चन बाहर बना ही नहीं भाई, बना ही नहीं, आप देख लेना क्वेश्चन को क्या बाहर बनेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोगिज्म, क्वेश्चन क्या बाहर बनेगा अगर चैप्टर समझ में आ गया। तो रीजनिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रीजनिंग किसी का नहीं है, प्रॉब्लम मेन जो है ना वो मैथ है, और मैथ बहुत बारीकी से, आप देखो अभी मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले, जहां पर 95% लोगों को कम से कम नहीं चैप्टर समझ में नहीं आता है,
पढ़ना ही नहीं चाहते, बोरिंग है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। कौन सा चैप्टर भैया? त्रिकोणमिति, ठीक है, उसका मैंने 5 पार्ट दिया है। आप एक भी पार्ट देख लोगे ना, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे वो पार्ट समझ में नहीं आ रहा। अभी 6th पार्ट में मैं आपको 6 और 7 पार्ट वो तो लाजवाब मिलेगा, उसमें मैं बताऊंगा थीटा का मान रखकर कितने जल्दी सवाल कर सकते हैं, वो सब कंसेप्ट मैं 6th और 7th पार्ट में सिखाऊंगा। लेकिन मैं बार बार एक गाइडेंस मैं आपको चाहता हूं, आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिले। अगर मान लो अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी कर रहे हैं ना भाई, फिर भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। हाँ, SSC का छोड़कर, जो CGL है उसको छोड़कर, क्योंकि वहां पर एग्जाम स्कोर करना अच्छा है। लेकिन अदर जो एग्जाम है, बैंक का एग्जाम मान लो, रेलवे का एग्जाम मान लो, अगर आप ये नहीं भी करते हैं, अगर ये चैप्टर नहीं भी करते हैं, फिर भी आपका एग्जाम निकलेगा। आपको 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर नहीं लाना है, 80 नंबर लाना है। त्रिकोणमिति से ज्यादा 3 क्वेश्चन रहेंगे या 2 क्वेश्चन, वो अगर हटा भी देते हैं फिर भी आपके पास 97 से 98 नंबर है जहां पर आप 80 स्कोर कर सकते हैं। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन पहले तो बहाना का जो पोटरी है, जो बोझ है ना, वो बहुत बढ़ रहा है। जितना बहाना आप बना रहे हैं आज के डेट में, वो बोझ बन रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बोझ है ना, एक समय आपके परिवार को ले डूबे। अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, समझिएगा मैं क्या बोला हूं। बहुत, दो बात मैंने बहुत बड़ी बोली है। एक बात तो अगर पापा बोर हो जाए ना, काम ना करें, तो परिवार का हालत बहुत खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज खत्म हो रहा है वो हमारा शरीर है, तो आपको सोचना है हर एक फेस को अच्छे से जीना है, मेहनत करना है 100% फोकस के साथ, ठीक है ना। बाकी आपको मेहनत करना है, एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको इस फेस से आगे निकलना है, नोट्स बनाना है। आप हमसे पढ़ो, कोई और टीचर से पढ़ो, कोई बात नहीं है। 1 मई से शाम को 6 बजे ना क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं। आप बस नोट्स रखना भाई, आप बस नोट्स रखना हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर को बारीकी से मैं समझाऊंगा, प्रतिशत हो। आप बस अगर मान लो ना, बहुत सारे ऐसे ही मेरी बहन है जो गांव वगैरह में रहती है, टीचर की तैयारी करती है या बहुत सारे एग्जाम का, वो सब भी पढ़ सकती है। आज के डेट में बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है ना कि बहुत सारे टीचर है एक्चुअल में यूट्यूब के ऊपर बहुत क्लियरली पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बच्चों लोग समझते भी नहीं है। बहुत टीचर आया, ये तो आपको पता है ना, 4 × ये होगा तो आंसर ये हो गया। क्या पता है, किसको पता है, नहीं पता है वो टीचर को, टीचर क्या सोच रहा है, सभी तेज थोड़ी ना है। तो टीचर एक स्टेप छोड़कर अगले स्टेप में, हाँ ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये क्वेश्चन देखो आप सभी, ये क्या कर रहे हैं, ये x प्लस वाई करना है ऐसे, ये तो ये है अगला क्वेश्चन। एक्चुअल में वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सभी टैलेंटेड बच्चे, नहीं, आपको एक एक चीज बेसिक से बताना पड़ेगा। अगर मान लो मैं ही अगर आपको, आप जब क्लास देखोगे ना त्रिकोणमिति का, मैंने मैथ का हर एक चैप्टर करवाया है, त्रिकोणमिति का जब क्लास देखोगे तो आप देखोगे ऐसे भी मैं कुछ बता रहा हूं जो बताना जरूरी नहीं है, वो सबको पता है, लेकिन मैं वो भी बता रहा हूं क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं ना कि किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, सबको समझ में आना चाहिए। मेहनत करना है भाई, अभी भी बहुत दिन टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है, अभी भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाओ हर एक चीज का, मेहनत करो। अगर आपके बस की बात नहीं है, आप सोच रहे हैं कि भैया हमसे नहीं होगा, तो कुछ और सोचिए, छोड़ दीजिए, क्यों ये सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार का भी सपना इससे जुड़ा हुआ, छोड़ दीजिए, कुछ और सोचिए दिमाग में, नहीं पढ़ले पढ़ रहा है तो, क्योंकि माँ बाप का भी उम्मीद बहुत जुड़ रहा है इसके साथ, आपके साथ साथ, और आप ना उम्मीद कर रहे हैं उनको, समझ रहे चीज को ना, चीज को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आप सभी को, क्योंकि यही समय है अपने टैलेंट को प्रूफ करने का। ये समय जिस समय में आप जी रहे हो, यही समय असली है कि आप अपने काबिलता को दिखा सकते हैं कि मैं काबिल हूं, ठीक है। चलो,